Shri Sai Ram. We offer our most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan, Shri Satya Sai Baba. As part of the 85th birthday celebrations of our beloved Lord and Master, the Sai youth from Delhi present a drama titled Guru Kripa. This drama brings a message from the life of Sufi saint Bulle Shah that describes the importance of a guru in one's life. Bulle Shah, also called Baba Bulle Shah, lived in what is today Pakistan. Against the wishes of his family and peers, he chose a guru who belonged to a caste lower than his own. Objections were raised from all corners, including his immediate family. But undeterred, he continued to follow his guru and even declared he was ready to forsake his family and this world for the sake of his guru. That was his level of devotion. This play is about Aham, whose ego leads him to disregard his teacher, his father, and the words of noble souls. One day, his father narrates a story to him from the life of Bulle Shah, and later, Aham experiences a transformation from an incident in his own life. Come, let us see the reality of Aham and his benevolent teacher, Shri Dinanath. Bulle Shah addressed his guru as Sai, and today, we the youth of Delhi make this humble offering at the lotus feet of our beloved Sai. This drama is inspired by your teachings, Swami. We pray and hope, Mother Sai, that you will forgive us for all our shortcomings in this presentation. Elders, brothers and sisters, we now present the drama Guru Kripa. संभल के कदम टिकाई फिर आवण
कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। नहीं मिली थी तुझे जो तू यहाँ सुबह सुबह लोगों की नींदें खराब करने आ गया? खबरदार, जो कल से यहाँ आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हटो जी मोए, सवेरे सवेरे आ जांदे ने नींदा खराब करन। अरे भाई, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो बस यूं ही बोलती रहती है, बड़बड़ाने की आदत है इसकी। अल्लाह मालिक। भाई तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, पर ये जो तुम गीत गा रहे थे वो? ये बुल्ले शाह का गीत है। वाह, क्या प्यारे बोल थे, पर इसका मतलब? बुल्ले शाह इंसान को खबरदार करते हुए जिंदगी का असली मकसद समझाते हुए कहते हैं, उठ जाग, खर्राटे मारकर सोता ही ना रहे। इस तरह सोने की तुझको जरूरत नहीं, बल्कि आलस छोड़कर उस खुदा की तरफ ध्यान दे और जरा सोच, इस संसार को फतेह करने वाला सुल्तान सिकंदर आज कहाँ है? सदा याद रख, मौत ने बड़े बड़े सुल्तानों को नहीं छोड़ा, तो फिर तेरी क्या बिसात? सभी लोग इस रंग बिरंगे संसार को छोड़कर चले गए, जाहिर है यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। यदि खुदा से प्रेम नहीं किया तो अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारा हश्र ये होगा कि पंखों के बिना उड़ नहीं पाओगे और सूनी अकेली कूंज की तरह क्रंदन करोगे। बुल्ले शाह कहते हैं, खुदा के बिना तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए यहाँ और वहाँ दोनों जहां में संभल संभल कर कदम रखना, वरना यहां दोबारा ना आ सकोगे। वाह भाई वाह, कितनी सच्चाई है जिंदगी की बुल्ले शाह के शब्दों में, और जितनी आसानी से तुमने इनका अर्थ समझाया, तुम वाकई ज्ञानी हो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, जाग घुराड़े मार नहीं। ए सोन तेरे दरकार नहीं। बाबा बाबा, तुम रोज इधर से ऐसे ही जाया करो, शायद किसी की समझ में आ जाए कि इस जिंदगी का असली मकसद क्या है। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, उठ जाग घुराड़े मार नहीं। अजी सुनते हो, किससे बातें कर रहे हो इतनी देर से? कुछ मेरी भी सुन लो कभी। अरे आज तक तुम्हारी ही तो सुनता आया हूँ पिछले 25 सालों से। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं, पड़ोसी से तुम्हारे बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहा था। कितना जादू है तुम्हारे हाथों में और कितनी मीठी है तुम्हारी जुबान। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, लो चाय पी लो। वाह, चाय तुम बहुत अच्छी बनाती हो। अच्छा माँ, मैं जरा इलाके के दौरे पर जा रहा हूँ, फिर कुछ जरूरी मीटिंग है और उसके बाद क्लब। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मंदिर में माता का जागरण है, याद है ना, हमें वहाँ भी जाना है। अरे पिताजी पिताजी, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, और वैसे भी ये कोई मेरी उम्र है जागरण वागरण में जाने की, और आप तो जानते ही हैं कि ना तो मेरा इन चीजों में विश्वास है और ना ही दिलचस्पी। और क्या, ठीक ही तो कहता है, आपकी तरह बेकार थोड़े ना है ये। अरे ये तो इसके खेलने खाने के दिन है, खबरदार
इसे भी अपनी तरह बेकार बनाया तो। वैसे ही बेचारा सारा दिन अपने ऑफिस के काम के बोझ के तले दबा रहता है, सांस लेने तक की तो फुर्सत है नहीं। अरे सारा दिन भगवान का नाम तो बेकार और खाली लोग लेते हैं। मेरा बेटा तो डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, वक्त कहाँ है इसके पास बेकार और फिजूल काम के लिए। बड़े आए जागरण मेरे जाने वाले। जा बेटा तू जा और आराम से आना, कोई जरूरत नहीं है जल्दी घर भागने की। अरे ओ अकल की दुश्मन, माँ बाप का फर्ज है कि औलाद को सही और नेक रास्ते पर चलाए, यही तो उम्र है इसकी नेक कर्म करने की। अरे हमारी उम्र में आकर तो वैसे ही बुढ़ापे और बीमारियों के कारण प्रभु का नाम नहीं लिया जाता। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, जब कश्ती साबूतो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। अजी बस 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 रहने दो, अपना ज्ञान कहीं और जाकर बांटो और मेरे बेटे को दुनिया के साथ चलने दो। जा बेटा जा, तू अपने काम पर जा, ये तो सारा दिन बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं। बेटा एक बात कहता हूं, अगर अपनी माँ के कहने पर इस तरह ही चलते रहे तो याद रखना, ना तो तुम्हें इस जहां में आराम मिलेगा और ना ही उस जहां में चैन, बाकी तुम्हारी मर्जी। जा बेटा तू जा। ओके माँ बाय। जनाब आपसे कोई मिलने आया है। बदतमीज, इतनी भी तमीज नहीं कि अंदर दरवाजा खटखटा के आते हैं। जनाब माफ कर दें, गलती हो गई। हाँ बोल, कौन आया है। जनाब एक बुजुर्ग आदमी है, अपना नाम मास्टर दीनानाथ बताता है। मास्टर दीनानाथ? मास्टर दीनानाथ? अरे भाई जाओ उनको इज्जत से अंदर ले आओ। जी हुजूर। अरे अहम बेटा याद नहीं क्या, मास्टर दीनानाथ तुम्हारे स्कूल के टीचर बेटा, उन्हीं की वजह से तुम आज इस मुकाम पर हो। नमस्कार सर। अरे मास्टर जी, सर कहकर क्यों शर्मिंदा करती हैं? ये तो आपका पुराना शागिर्द है। शागिर्द है नहीं, था पिताजी। अहम। और आज अपनी मेहनत से डिप्टी कमिश्नर हूं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बेटा। बेटा नहीं सर कहिए, मास्टर जी सर कहिए, कैसे आना हुआ। बेटा ओह माफ करना सर, गांव में मेरी एक छोटी सी जमीन है, उस पर कुछ दबंग और बदमाश लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं ये कैसे मान लूं कि वो जमीन आपकी ही है। सर पाई पाई जोड़कर एक छत बनाने का सपना था, ताकि बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। ये देखिए, ये देखिए सर, जमीन के कागज मेरे नाम हैं। मास्टर जी ये कागज तो कोई भी बनवा सकता है। ठीक कहते हैं सर, ठीक कहते हैं। उस बदमाश ने भी ऐसा ही किया, झूठे कागज बनवा लिए और अब मुझ गरीब को आंखें भी दिखाता है। क्या नाम है उसका जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। उसका नाम है ठाकुर हकीकत सिंह। ठाकुर हकीकत सिंह? मास्टर जी जबान संभाल कर बात कीजिए, जानते भी हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। खूब जानता हूं सर, खूब जानता हूं। गरीबों का खून चूसने वाला एक ऐसा मतलबी इंसान जो पैसे के जोर पर कुछ भी करवाने की ताकत रखता है, और शायद इसीलिए आज तक थाने में मेरी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। मास्टर जी प्लीज, सारा शहर जानता है कि ठाकुर साहब कितने शरीफ आदमी हैं, बिना सबूत के आप उन पर कोई इल्जाम ना लगाएं। और आजकल तो ये फैशन हो गया है, लोग जरा से लालच के कारण किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। अहम, ये
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था और तुम ही? मास्टर जी, आप अपने कागज मेरे पास छोड़ जाएं, मैं उन्हें देख लूंगा। अब आप जा सकते हैं मास्टर जी। बेटा, ओह माफ करना सर। सर, क्या मैं 3-4 दिन के बाद आपसे आकर मिल लूं? आने की जरूरत नहीं है मास्टर जी, ऑफिस में फोन करके पूछ लेना। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अहम सर, एक बात तो मैं आपको बताना ही। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे शाहजी, आप? मास्टर जी, मैंने सब कुछ सुन लिया और देख भी लिया। मुझे माफ कर दे मास्टर जी, मुझे माफ कर दे। अरे ये क्या कह रहे हैं शाहजी आप? इसमें आपका क्या दोष? मास्टर जी, गलती तो सारी हमारी ही है। माँ बाप का फर्ज होता है कि अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाए, उस पर चलना सिखाए और गुरु की इज्जत करना सिखाए। और आज अहम ने अपने बर्ताव से ये साबित कर दिया कि हम अपना फर्ज निभाने में कामयाब नहीं हुए। मास्टर जी, वो अपने अहंकार में ये भी भूल गया, हरी रूठे गति एक है, गुरु शरणागत जाए, गुरु रूठे को नहीं, हरी नहीं करे सहाय। शाहजी, आप अपने मन पर बोझ ना डालें, शायद भगवान की यही मर्जी है। अहम बहुत समझदार है, जरूर उसे कोई परेशानी होगी जो उसने आज ऐसा किया। शाहजी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, ईश्वर उसे लंबी उम्र दे। अच्छा, अब मैं चलता हूं, नमस्कार। मास्टर जी, मास्टर जी। उल्टे होर जमाने आए, उल्टे होर जमाने आए, तामे भेद सजन दे पाए, तामे भेद सजन दे पाए, उल्टे होर जमाने आए, उल्टे होर जमाने आए। उल्फत नाही क्या चाचे क्या ताए, हो प्यो पुत्रा इत्तफाक नकाए, दिया नाल माए, उल्टे होर जमाने आए, उल्टे होर जमाने इसीलिए मैंने अहम को
इतना पढ़ाया लिखाया, इससे पहले कि वो भटक जाए मुझे उसे सही रास्ता दिखाना होगा। माँ बाप का यही फर्ज है। नहीं नहीं, मैं उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही उसको समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। अरे अब किसे कोस रहे हो? अरे भाग्यवान, कोस नहीं रहा हूँ, अहम के बारे में सोच रहा हूँ। कोई लड़की है नजर में? क्या? अरे शादी के लिए। अरे शादी के लिए नहीं, उसके अहंकार के बारे में। अहंकार? हाँ अहंकार। आज देखा नहीं मास्टर जी से कैसे बातें कर रहा था? जानती हो, अपनी शक्ति और अधिकार के मद में फूला एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को चोट पहुंचा सकता है, किंतु उसका अभिमान उसको ही सबसे अधिक हानि पहुंचाएगा। ये अभिमान उस राक्षस की तरह है, जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं। इंसान अपने को इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक वो साधना द्वारा अपने अहंकार को काबू ना कर ले। लो फिर शुरू हो गए। अरे बहुत गुरु बैठे हैं ज्ञान बांटने वाले, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। अरे जाता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अहंकार तो एक कटीली झाड़ी है, यदि अपने मन में इसको बोओगे तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये सच्चे दोस्तों में भी शक की दरार डाल देता है। ये दो सज्जन व्यक्तियों को एक साथ काम नहीं करने देता। दुख इसकी छाया की तरह है, और हां जहां अहंकार का अभाव होता है वहीं आनंद, शांति, साहस, सहयोग और प्रेम विद्यमान रहता है। जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है जो दिव्य सत्ता मुझ में विद्यमान है वही अन्य व्यक्तियों में भी उपस्थित है, तब प्रेम अहम को खदेड़कर पीछे कर देता है और उसके कार्यों, विचारों और वाणी पर अधिकार कर लेता है। सब्जी ले आओ। कहते तो ठीक ही है। बाजी चाय तैयार है, ले आऊं क्या? अभी नहीं, ठहर के। अच्छा मेरा टाइम हो गया, मैं पी लूं क्या? आ मोया तनु मैं चाय पियावा। ये तुमने अच्छा नहीं किया बरखुरदार। मैंने क्या अच्छा नहीं किया पिताजी? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मास्टर दीनानाथ जी। पिताजी, मास्टर जी झूठ बोल रहे थे। अहम, होश में रहकर बात करो। अरे जानते भी हो तुम किसके बारे में बोल रहे हो? और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करा दूं कि तुम उस गुरु के बारे में बात कर रहे हो जिसकी वजह से तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। अरे मूर्ख, उस शख्स ने सारी जिंदगी अपनी सबसे कीमती चीज यानी ज्ञान को बांटा और तुम जैसों को इस लायक बनाया कि तुम लोगों के लिए अहम फैसले ले सको, और तुमने? पर पिताजी। अरे ऐसा बर्ताव करने से पहले कुछ तो सोचा होता। क्या हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने गुरु के साथ ऐसा बर्ताव करो? अरे मूर्ख, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम की फंद। तुम क्या जानो कि शागिर्द के लिए गुरु का क्या मतलब होता है? अरे ये समझना है तो बुल्ले शाह को पढ़ो। जानते हो बुल्ले शाह कौन था? खैर तुम क्या जानो बुल्ले शाह को, जो नस्ल संस्कारों को नहीं समझती, छोटे बड़े के अंतर को नहीं समझती, वो क्या समझेगी बुल्ले शाह को? बुल्ले शाह? हाँ बरखुरदार, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह उस रूहानी शख्सियत का नाम है जिसने अपना भरा पूरा घर, परिवार, भाई बहन, माँ बाप, यहाँ तक कि उस समाज को भी छोड़ दिया जो उसके और उसके गुरु के दरमियान आ रहा था। उसे उसके गुरु से अलग करना चाहता था, और तुमने तो घर आए भगवान को ही ठुकरा दिया। अगर नहीं जानते तो सुनो, बुल्ले शाह के गुरु का नाम हजरत इनायत शाह कादरी था।
हजरत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था, इसीलिए वो इनायत लाहौरी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो जाति के आराई थे और खेती बाड़ी और बागवानी के व्यवसाय से गुजारा करते थे। कहा जाता है कि हजरत इनायत शाह के पास पहुंचने से पहले भी बुल्ले शाह कोई ना कोई रूहानी अभ्यास किया करते थे और उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त थी। एक दिन जब जिज्ञासु बुल्ला साईं इनायत की बगीची के निकट पहुंचा तो, अरे इन पेड़ों पर कितने आम लगे हैं, और साई जी भी प्याज की पनीरी लगाने में बहुत मसरूफ हैं। ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें खबर हो जाए कि कोई आया है। हाँ, ऐसा ही करता हूं। बिस्मिल्लाह। क्यों भाई, ये आम क्यों तोड़े हैं? साई, ना तो मैं तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा और ना ही मैंने कोई कंकर या पत्थर फेंका, तो फिर मैंने ये आम कैसे तोड़े? अरे एक तो चोरी, दूसरा ऊपर से चालाकी भी। अगर तुमने फल नहीं तोड़े तो फिर किसने तोड़े? और तो यहां कोई है नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम बुल्ला है। चाहता क्या है तू? साई, मैं रब को पाना चाहता हूँ। अरे तो फिर नीचे क्यों गिरता है? ऊपर उठ और मेरी तरफ देख। बुलिया, रब दा की पाना, इधरों पुटना ते ओदर लाना। साई जी वाह, मुझे मेरा जवाब मिल गया। रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। आपने इधर से उखाड़ने में और उधर लगाने में रूहानियत का सार समझा दिया। आपने बता दिया कि रूहानी तरक्की का राज मन को संसार की ओर से मोड़कर खुदा की तरफ जोड़ने में है, और व्यवहारिक रूप से आपने ये भी दिखा दिया ये काम सतगुरु की पूर्ण कृपा दृष्टि से ही संपन्न होता है। अच्छा बुलिया, मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। वाह साई जी वाह, रब दा की पाना, ऐदरो पुटना ते उधर लाना। बुल्ले चल, असी मदीना जा रहे हैं, साडे नाल चल जियारत करन। अरे वहां चल, वहां हजरत रसूल के दीदार हो जाएंगे, यहाँ क्या तू सराई के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे भाई, लेकिन तुम मदीना शरीफ जियारत करने जाना क्यों चाहते हो? बुल्ले, वहाँ हजरत मोहम्मद का रोजा शरीफ है, और खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की तो समझो उसने मुझे जीवित देख लिया। अरे भाई, खुदा तो हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजना बेकार है। मैं काबा कैसे जाऊँ? मेरे दिल में तो मेरे साई जी की दुआ की चाह है। लोग काबे में सजदा करते हैं, पर मेरा सजदा तो मेरे साई के आगे है। मेरा साई तो खुदा का रूप है। जिस तरफ मेरे साई का घर है, उसी तरफ मेरे लिए मक्का और काबा है। तेरा तो अल्लाह ही मालिक बुल्ले। कर जावा काबे नू, मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिल लोचे तखत हजारे नू, दिल लोचे तखत हजारे नू, मैं क्यों कर जावा काबे नू, मैं क्यों कर जावा काबे नू।
सचदा यार प्यारे नू साडा सचदा यार प्यारे नू मैं क्यों कर जावा खावे नू मैं क्यों कर जावा खावे नू सारे नू मैं क्यों कर जावा खावे नू मैं क्यों कर जावा खावे नू बुल्ले क्या गर्मी है आज। अरे बहन एक गिलास पानी तो पिला दो। भाई ये क्या पागलपन है और ये क्या हालत बना रखी है अपनी। क्यों क्या हुआ सब ठीक तो है। तो हमारी बात मानता क्यों नहीं। कौन सी बात बहन। बुल्ले जानबूझकर अनजान मत बन। हमारी बात मान ले और उस खेती बाड़ी करने वाले अरई का साथ छोड़ दे। कहां तुम और कहां वो। तुझे वो ही मिला था दुनिया जहान में गुरु बनाने को और कोई नहीं मिला। इसमें बुरा ही क्या है बहन। गुरु तो गुरु होता है और इसमें ऊंच नीच की बात कहां से आ गई। तालीम का कोई मजहब नहीं होता। तालीम तो तालीम होती है। अरे तुम उस अरई के नशे में पागल हो गए हो। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम अली के वंशज हो नबी के परिवार से हो और सैयद जाति के हो। फिर भी तुमने उस नीची जाति वाले अरई का दामन थामा। और जानते हो सारी दुनिया हम पर थू थू कर रही है और हम पर और हमारे परिवार पर हंस रही है। हम अब भी कहते हैं बुल्ले उस अरई का साथ छोड़ दो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे भाई मैं घर छोड़ सकता हूँ परिवार छोड़ सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो इस दुनिया को भी छोड़ सकता हूँ पर अपने साई का दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे जिंदगी का असली मतलब बता दिया। अरे बिना सद्गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। मेरा साई तो खुदा का रूप है खुदा का। उसका प्रेम अनोखा है। वो जिससे प्रेम करता है उस अवगुणों से भरे इंसान का उद्धार कर देता है और वो तो आत्मा का हाथ पकड़कर उसे पार उतार देता है। और तुम कहते हो मैं अपने साई का दामन छोड़ दूं। बुल्ले अभी भी हमारी बात मान ले वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। बहन जो हमें सैयद कहेगा उसे दोजक की सजा मिलेगी और जो हमें आराई कहेगा वो बहिष्ट में झूला झूलेगा। अरे बड़ी खुशकिस्मती से सतगुरु मिलते हैं। भाई तू क्यों दुनिया से दुश्मनी मोल लेता है। हम कोई तेरे दुश्मन थोड़ी है तेरे अपने है। और अगर फिर भी तुझे हमारी बात नहीं माननी तो बाकी तुम्हारी मर्जी।
समझावण आईया भैणा ते भर जाइया बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते भर जाइया बुल्ले नू समझावण आईया बुल्ले नू समझावण आईया बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते भर जाइया सबनी थाई रब दिया बेपरवाइया राई साई सबनी थाई रब दिया बेपरवाइया सोनिया परे हटाइया ते गोजिया ले गल लाइया सोनिया परे हटाइया ते गोजिया ले गल लाइया पींगा पाइया बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते भर जाइया बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते भर जाइया समझे बरखुरदार। एक बुल्ले शाह थे जिसने अपने परिवार और दुनिया के खिलाफ जाकर अपने गुरु का साथ निभाया और एक तुम हो जिसने अपने ही गुरु को दुत्कार दिया। पिताजी आप किस जमाने की बात कर रहे हैं?
ये गुरु वुरु ज्ञान व्यान मुझे मत समझाइए, कुछ नहीं रखा इन बातों में। आज की दुनिया के साथ चलिए पिताजी, आज की दुनिया के साथ। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन कर रहे हो अपने माँ बाप का। अरे अगर यही तरीका है आज के जमाने का तो हम पुराने जमाने में ही अच्छे। पर एक बात समझ लो बेटा, गुरु की बेइज्जती करके इज्जत तुम्हें भी नहीं मिलेगी। याद रखना बेटा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सुनो, सब्जी ले आए तुम? तो फिर दूध भी ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। रुको बेटा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या मिस्टर अहम घर में हैं? जी। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या काम है? इंस्पेक्टर नहीं, डीएसपी नमन सिंह। नमन? अरे वही नमन जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हाँ अहम वही, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। थाने? जी थाने। तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है अहम। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? पुलिस स्टेशन चलोगे तो सब पता चल जाएगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अहम से यही पूछ लो जो तुम्हें पूछना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? ओह लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया, फिर कभी आ जाऊंगा। मास्टर दीनानाथ, और इस वक्त मास्टर जी। अरे मास्टर जी, चरण स्पर्श। कौन? मास्टर जी आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, नमन। नमन? अरे नमन कैसे हो बेटा? मास्टर जी आपके आशीर्वाद और ईश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? बेटा एक काम के सिलसिले में यहाँ अहम सर से मिलने आया था। मास्टर जी जमीन वाला काम ना? हाँ बेटा, पर कुछ दिन पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ है और मैंने आपकी दरख्वास्त पढ़ी थी जो आप थाने में देकर आए थे, उसी की तहकीकात के सिलसिले में अहम को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आया हूँ। क्या? हाँ मास्टर जी, आप चिंता ना करें, जल्द ही आपकी जमीन आपके पास होगी और गुनाहगार सलाखों के पीछे। नहीं नहीं बेटा, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, अहम का इसमें क्या दोष? मास्टर जी ठाकुर हकीकत सिंह ने तहकीकात के दौरान अहम का भी नाम लिया है। मुझे तो शर्म आती है कि एक अहम जैसा पढ़ा लिखा इंसान अपने गुरु के साथ ऐसा कर सकता है। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अहम मेरा स्टूडेंट रह चुका है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो ऐसा है ही नहीं जैसा कि तुम सोच रहे हो। मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर जी मैं अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि आपको नहीं पहचान पाया। मास्टर जी बुल्ले शाह ने तो अपने गुरु के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन मैंने तो आपको ही धुतकार दिया। बेटा गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु के समान और कोई नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से करने वाले को संपूर्ण लोकों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वो ज्ञान रूपी बल से निडर जीवन व्यतीत करता है। हाँ पिताजी, मैं उस अंधे की तरह हूं जो गुरु के महत्व को नहीं समझ सका। भगवान के रूठने पर स्थान तो मिल सकता है, पर गुरु के रूठने पर कहीं स्थान नहीं मिलता। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। मास्टर जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अरे उठिए ठाकुर साहब, जो हुआ उसे भूल जाइए, मैंने आपको माफ किया। नमन बेटा मुझे इन दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू नजर आ रहे हैं, इनको एक मौका और देना चाहिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। मास्टर जी ये आप कह रहे हैं? मुझे सब पता है मास्टर जी, इन दोनों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया फिर भी आप इन्हें बचा रहे हैं, क्यों? बेटा करुणा, विनम्रता, आज्ञाकारिता और अनुशासन का पालन करने में कभी ना हिचको। समाज में अपना पद, दौलत और ज्ञान को लेकर जो अभिमान मन में बसा है उसे निकाल दो।
फिर जो आनंद तुम दूसरों को दोगे और जिस प्रेम को तुम दूसरों से बांटकर भोगोगे, वही एक मूल्यवान चीज इस संसार में रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं। पद, पैसा, संपत्ति, कुछ भी नहीं। समझे बेटा? यही मेरे स्वामी का कहना है। ठीक है मास्टर जी, जैसा आप ठीक समझे। हवलदार, इनकी हथकड़ी खोल दो। उठ जाग घुराड़े मार नहीं, उठ जाग घुराड़े मार नहीं। बाबा बाबा, एक बार हमारे घर में कदम डालो, एक बार आओ ना बाबा। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बाबा बस मुझे और शर्मिंदा ना करें। बेटी, खुदा तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। बाबा, आज मुझे पता चल गया कि अहंकार को छोड़े बिना गुरु की कृपा पाना कितना कठिन काम है। चश्मे करम की बात है साई, चश्मे करम की बात है साई, चश्मे करम की बात है साई, चश्मे करम की बात है साई। क्या मेरी औकात है साई, क्या मेरी औकात है साई, जिनको बुजुर्गों से निस्बत है, जिनको बुजुर्गों से निस्बत है, वो रहबर की जात है साई, वो रहबर की जात है साई। खाली झोली भर जाएगी, खाली झोली भर जाएगी, एक नजर की बात है साई, एक नजर की बात है साई, चश्मे करम की बात है साई।
जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शिव जना श्रीकरा सर्वा प्राण पते स्वामी सर्वा प्राण पते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका अवतार ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राश्रया ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुक मंगल आरती अंदुक मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति शांति शांति